हे गाइज एंड 350 BC के आसपास एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था ऑन दी हेवन और इस बुक के राइटर कोई और नहीं बल्कि खुद एरिस्टोटल थे। इस बुक को साइंस की पहली बुक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये बुक उस समय के सभी मानवीय सोचों के लिए एक चुनौती का विषय बन गया था क्योंकि उस बुक में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, कुछ ऐसे आइडियाज थे जिससे ज्यादातर लोग एग्री नहीं करते थे क्योंकि लोगों को नई चीजें सीखने और बदलाव से डर जो लगता है। एंड उसी बुक में एरिस्टोटल ने इस बात का प्रूफ भी दिया था कि पृथ्वी चपटी हुई नहीं बल्कि उसका सरफेस तो सर्कुलर है। बट फ्रेंड्स, ये बुक पूरी तरीके से सही नहीं थी या यूं कह ले कि ये अधूरी थी मॉडर्न साइंस की तुलना में। और फ्रेंड्स, ये तो बस शुरुआत थी साइंस के डेवलपमेंट की। एंड अभी आप देख ही सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो कर चुकी है। बट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं साइंस की हिस्ट्री के बारे में तो बात नहीं करूंगा, बट हाँ, अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर देना, जरूर मैं इसके ऊपर एक सीरीज बना के आपको दे दूंगा। अब फ्रेंड्स, वापिस आते हैं अपने रियल टॉपिक पे कि एक्चुअली में साइंस है क्या। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर इसको छोड़ो, थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं, साइंस एक ऐसा रिलीजन है, यानी कि साइंस एक ऐसा धर्म है जो हमें आजादी देता है कुछ नया सोचने की। नॉर्मली रिलीजन्स में क्या होता है, बिलीफ या ट्रस्ट के आधार पे उस रिलीजन के पुराने लॉज को हमें मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारा ट्रस्ट जो उससे जुड़ा होता है। बट साइंस मानती है कि अगर आपके पास कुछ नया आइडिया है, कोई नया कॉन्सेप्ट है जो सही है एंड जिसे आप प्रूव कर सकते हो, मींस आप सही हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपसे पहले किसी ग्रेट साइंटिस्ट की थ्योरी आपको गलत ठहरा रही है, क्योंकि अगर आपके पास परफेक्ट प्रूफ है तो उनकी थ्योरी में ही कुछ डिफेक्ट होगा एंड इसी के आधार पे लॉज और थ्योरीज को मॉडिफाई भी किया जाता है। एंड इसलिए साइंस एक रिलीजन है और ये बाकी सभी रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। गाइज, मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सियल बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक यूनिक आइडिया दे रहा हूँ साइंस के बारे में। सो आप इसे रिलीजन वगैरह से ज्यादा रिलेट मत करना और नीचे कमेंट में कुछ ऐसा कमेंट मत करना जो थोड़ा ऑफेंड हो। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने मिला होगा और ऐसे ही हमेशा कुछ नया सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कीजिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।